घटा गंगोर है, लेकिन आपने तो जीवन भर जल, जंगल और जमीन को बचाने का काम किया। आप लोग वह योद्धा हो जिन्होंने उस समय महाराणा प्रताप की सेना में काम किया, देश के कई राजाओं की सेना में काम किया, एक सैनिक के रूप में काम किया और आज आप जल और जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो जो जंगल हम देख रहे हैं, जो जंगल की जमीनें हम देख रहे हैं, जो जंगल की जमीन हम देख रहे हैं, वह सब आपने उस जमीन पर रहकर बचाने का काम किया, अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया, अपने संस्कारों को बचाने का काम किया और यही कारण है देश में जहां भी भील समाज रहता है आज भी अपनी पुरातत्व और संस्कृति और संस्कार को बचा के रख रहा है। साथियों, मुझे याद है कि बहुत तेज बरसात हो रही है और इस तेज बरसात के अंदर आप यहाँ पर इस बात के लिए आए हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए इस छात्रावास का निर्माण करें। मुझे याद है कि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ दो टाइम की रोटी का इंतजाम करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस कड़ी मेहनत के बाद भी आपके मन में संकल्प है कि आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी शिक्षा देने का काम करें और इसी संकल्प के साथ आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके हर गांव के अंदर जहां पर स्कूल नहीं होगा वहां आपका ही बेटा, आपकी बेटी जन सहयोग से वहां स्कूल चलाएंगे ताकि आने वाले समय के अंदर हम सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर संस्कार। मैं चाहता हूं भील समाज का बच्चा अच्छी शिक्षा संस्कार प्राप्त करके उच्च पदों पर बने और इसके लिए उस गांव के अंदर शिक्षा का केंद्र हो, उस गांव के अंदर अगर सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला है तो आपका ही बच्चे को एक साल की ट्रेनिंग कराकर वहां पर स्वास्थ्य का केंद्र खोलेंगे ताकि आप सब लोग स्वस्थ रहो। ये सब काम हमको सामूहिकता से मिलकर करना है। हम एक योद्धा के रूप में लड़ाई करने वाले योद्धा हैं। आपने जीवन भर अपनी जीवन की सारी यात्रा को संघर्ष में से निकाला है। आपका संघर्ष मैंने मेरी आंखों से देखा है। जब भी मैं आपके गांव में जाता हूं, गांव के हालातों को देखता हूं, किस जंगल के हालात में आप रहते हो, न रोड होता है, न पीने का पानी होता है, न बिजली होता है। आज 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में कुछ गांव में रोड पहुंचा है, बिजली पहुंची है, सड़क पहुंची है, लेकिन और अभी बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत है और इसीलिए मैं आपके बीच में एक ही बात कहने आया हूं। आप में से कुछ नौजवान तैयार हो, जिस गांव में स्कूल नहीं है वहां पर हम स्कूल बनाएंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, उस गांव के नौजवान को दो टाइम का रोजगार मिले, वहां के गांव के नौजवानों को अच्छी स्किल ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वह एक प्रशिक्षित जवान हो जो देश और दुनिया के अंदर निकल सके। जहां तक आपके छात्रावास का विषय है, मैंने आपके पदाधिकारियों को कहा है इस छात्रावास को आप और मिलकर बनाएंगे और लोग देखेंगे
कि भील समाज ने एक छात्रावास का निर्माण कर लिया। हम इस पे अपनी मेहनत के एक एक ईंट लगाएंगे, अपना पसीने बहाएंगे। आज खून बहाने की आवश्यकता नहीं है, पसीने बहाने की आवश्यकता है। और इस निर्माण में एक ईंट भी होगी, एक पसीना भी होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी यहां पर जब पढ़े तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। और आपके बच्चों को जो भी डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहिए और आईएएस बनना चाहिए, उन सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा खिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। उनको अच्छी कोचिंग कराएंगे ताकि वह भी डॉक्टर बने, वह भी इंजीनियर बने, वह भी आईएएस बने, ताकि भी समाज को वह भी आगे लेकर बने। मुझे कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि जंगल जमीनों संघर्ष करते हुए आप आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अब समय आ गया है हमारे बच्चों को पढ़ाने का, उनको देश और दुनिया के बड़े आदमी बनाने का, आप में क्षमताएं काम करने की, बौद्धिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं। लेकिन कई बार आपको सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। ये मेरी महिलाएं बैठी है, इन महिलाओं को भी आग्रह करना चाहता हूं, हर गांव से ऐसी महिला जो गर्भवती महिला है, और गर्भवती महिला है लेकिन भोजन की कमी है, हम 10 महीने तक उसको भोजन देंगे ताकि गर्भवती महिला भी ठीक रहे, आने वाला बच्चा भी ठीक रहे। भील समाज का कोई व्यक्ति अभाव में वंचित में न रहे, इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर हमें लगेंगे 5 साल 10 साल, लेकिन आने वाला समय हमारा स्वर्णिम समय होगा। ये हम सबको मिलकर आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए साथियों, आप सबने इस भीगती बरसात के अंदर यहां पर आए, दूर दराज के गांव से आए, आपकी कठिनाई परेशानी को मैं देखता हूं कि एक दिन अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो शाम को रोटी का इंतजाम कैसे होगा। इस पीड़ा और दर्द को मैं जानता हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहो, मैं भी आपके साथ हूं, मदन दिलावर जी भी आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, हर बच्चे को शिक्षित बनाएंगे, समाज को संगठित करेंगे। और इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा तब तक हम लोकतंत्र नहीं ला सकते। इसलिए समानता के आधार पर सबको न्याय मिले, सबको अधिकार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको पीने का पानी मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, ये सब मिलकर हमें करना है। लेकिन इसमें से कुछ नौजवान खड़े होने पड़े। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके गांव से मुझे 5 से 10 नौजवानों की लिस्ट दे दो जो उस गांव के अंदर मिलकर काम करना है। बाकी उस गांव की तस्वीर भी बदल देंगे और उस एक एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम हम मिलकर करेंगे। और इसीलिए आज यहां बड़ी संख्या में आए, आपके सारे गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर जो जो कमियां हैं उसको भी पूरी करेंगे, और उसके साथ हम सब मिलकर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आपको मिले, ताकि जो मैं चेहरे देख रहा हूं, मैं एक गांव में गया तो गांव में मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं आदिवासी गांव में आ गया हूं। मैंने उसी समय जिला कलेक्टर से कहा, कल उस गांव में जाओ, वहां एक भी व्यक्ति के पास खाद्य सुरक्षा का कार्ड नहीं है, एक भी व्यक्ति को गेहूं नहीं मिलता है। उस सारे गांव के अंदर सबका, उस गरीब व्यक्ति को देखकर अगर आपके आंख में आंसू नहीं आए तो आप उनके कार्ड मत बनाना। अगर आपको लगे कि ये गप से गरीब व्यक्ति है तो उसकी संवेदना के साथ, उसकी पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को समझना। और इसीलिए आपकी दर्द और पीड़ा को मैं जानता हूं, आपके हर आंसू को पोंछने का काम करूंगा, आपके अब हवाओं को दूर करने का काम करूंगा, और समाज के सबसे
वंचित व्यक्ति की बात करता हूं तो मैं आपको देखता हूं, आप सबको देखता हूं, उन वंचित इलाकों के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति पर लाने का। हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमेशा गरीब और वंचित की बात करते हैं और उनको जीवन भर गरीबी देखी है और उनका लक्ष्य है कि किस तरीके से हम गरीब वंचित लोगों की सेवा कर सके और गरीब वंचित को लाभ मिले, ये हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।